मुहर्रम 2019 जानिए कब और क्यों मनाया जाता है। मुहर्रम का त्योहार इस्लामिक धर्म में मुहर्रम को बहुत ही खास और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। वही मुहर्रम का महीना इस साल 31 अगस्त से शुरू होगा और अशुरा यानी कि मुहर्रम का मुख्य दिन 10 मंगलवार को मनाया जाएगा। मुहर्रम पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम हिजरी संवत का प्रथम मास है। वहीं इस्लाम धर्म में मुहर्रम एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। इस पूरे 10 दिन इमाम हुसैन का शौक मनाया जाता है। इसी महीने में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र मक्का से पवित्र नगर मदीना में हिजरत किया था। जानिए मुहर्रम में क्या करते हैं लोग। मुहर्रम में कई लोग रोजा रखते हैं। वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती की शहादत और करबला के शहीदों के बलिदान को याद किया जाता है। करबला के शहीदों ने इस्लाम धर्म को नया जीवन दिया था। वहीं कई लोग इस पवित्र महीने में पहले 10 दिनों के रोजे रखते हैं। जो लोग 10 दिन तक रोजा नहीं रख पाते हैं वो 9 और 10 तारीख का रोजा रखते हैं। इस दिन पूरे देश में लोगों की अटूट आस्था का भरपूर समागम देखने को मिलता है। वहीं इस खास दिन पर जगह जगह प्याऊ और शरबत की छबील लगाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन एक धर्म युद्ध में शहीद हुए थे। वहीं करबला यानी कि आज के वक्त का इराक, जहां सन 60 हिजरी को यजीद इस्लाम धर्म का खलीफा बन बैठा। वह अपने वर्चस्व को पूरे अरब में फैलाना चाहता था, जिसके लिए उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पैगंबर मोहम्मद के खानदान के इकलौते चिराग इमाम हुसैन, जो झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे।